हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक ना रेजर का कट सिखा रही हूँ, जिसमें आप रेजर कैसे चला सकते हो। यानी कि ये मैंने ब्लंट कट किया है, कट करने के बाद में आपको बता रही हूँ कि इनसाइड करना है हेयर को। इसके बाल हमेशा ऐसे चले जाते हैं, आउट कर्ल्स हो जाते हैं, ऐसे आउट कर्ल्स दिखते हैं। तो इसको इन रखना है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक कैसे इन रहेंगे। कट चुकी हूँ, मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। अभी ये जो हेयर है ये रिमूव करने वाली हूँ। इसके बाद आप देखिए मैं कैसे करने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम तक इसके बाल इन रहेंगे। पहले तो हम इसके बालों कैसे उठा लेंगे, पहले तो उठा लेंगे, मैं पहले रेजर करती हूँ। रेजर कभी भी खड़ा मत चलाइए, रेजर को हमेशा ना थोड़ा सा बेंड रखना है, सीधा रख के नहीं चलाना है। जो बाल है ना, ये बालों से थोड़ा सा एक इंच ऊपर लेंगे हम, एक इंच अंदर लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने लिया, अब देखिए है ना, ये है ना, ये हिस्सा आप पकड़े, ये पकड़े और यहां से ये आ गया इधर। तो ये काफी टाइम तक ऐसा राउंड, देखो अभी राउंड अभी आ गया राउंड, और काफी टाइम तक वो इन रहेगा हेयर, इनसाइड में इन अंदर की तरफ रहेंगे, इनसाइड रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। हम अंदर की साइड में कट दे रहे हैं, ये देखिए बहुत हल्का चलाना है, बहुत जोर से एकदम प्रेशर के साथ आप अगर कट करोगे ना तो ऊपर से ही बाल कट जाएंगे। बहुत स्लोली स्लोली ब्लेड को लगाना है, जो रोजर है बहुत स्लो लगाना है। एक देखिए, देखिए बहुत स्लो, बहुत स्लो, मैं एकदम स्लो स्लो कर रही हूँ। देखिए अपने आप इसका ऐसा राउंड आ गया अपने आप, और बच्चों के बहुत टाइम तक ये ऐसे इन रहेंगे। देखिए अपने आप राउंड जा रहा है, मैंने ब्लो ड्राई भी नहीं किया है, उसके बिना ही जा रहा है, गीले बाल ही जा रहे हैं। इसके बाद जब ब्लो ड्राई हो जाएगा या फिर बाल खुद ही ड्राई हो जाएंगे तो भी ये अंदर की साइड ही नजर आएगा। मैंने एंड में आके इतने बाल में छोड़ रही हूँ, देखिए क्यों ऐसे जाके छोड़ दे रही हूँ।